गुड मॉर्निंग पिला माने, आजिर विषय हेउछि बल ओ गति नियम विभाग दुई। पूर्व वीडियो रे आमे जानिले गति कौन एवं गति केते प्रकारर ओ वस्तु उपरे गति कौन सबु प्रभाव पकाइ थाय। पिला माने, आजिर विषय हेउछि न्यूटन को गति नियम, न्यूटन को प्रथम गति नियम, जड़त्व ओ वस्तुत्व एवं न्यूटन का द्वितीय गति नियम। चलंतु पिला माने आजर वीडियो स्टार्ट करिबा। पिला माने एई जो चित्रटी देखु छंती से हेउ छंती आइजाक न्यूटन। आइजाक न्यूटन गति ओ गति संपर्कीय धारणा गुड़ी को अध्ययन करी वस्तुमानंक गति संपर्क रे तीनोटी मौलिक नियम उपस्थापन करथिले जहाकु न्यूटन का गति नियम कुहा जाए। पिला माने तुम्हें माने केबे लक्ष्य करी छ घरे अनेक जिनिस गोटिए जगह रे पड़ी रही थाए एमाने आपे आपे गति करी पारंदी नाही। जेपरी देखु छ बॉल टी गोटिए जगह रे पड़ी रही थिला जो पर्यंत खेलाड़ी बॉल टी को लात मारिला सेते बेले जाई कौन हैला ना बॉल टी गति करिला। जेमिति कि प्रथम चित्र रे बॉल टी सरल रेखा रे गति करुछि एवं द्वितीय चित्र रे घुरिबारे लागिछि, एही दुई बॉल को स्थिर अवस्था को आनिबा को हेले बाह्य बलर आवश्यकता थाए। एथिरु आमे कोन जानिले, एथिरु आमे जानिले गोटिए वस्तु तार स्थिर अवस्था रे बा सरल रेखिक समगति अवस्था रे अनवरत रही थाए जे पर्यंत तार सही अवस्था को परिवर्तन करिवा पई कोनोसी बाह्य बल उपरे प्रयोग करा जाई नथाए। पिला माने केबे बस पा कार रे यात्रा करिछ, बस रे जाउथवा बेले बस चालक जदि हठात ब्रेक मारे आमे कोन हो ना आमे आगो को पड़ी जाऊ, एमिति कोन पई हुए कहिलो पिला माने सबो वस्तु तार स्थितावस्था बा गतिर अवस्थार परिवर्तन को विरोध करे। वस्तुटी स्थिर हो रही थिले स्थिर हो रहिबा को इच्छा करे किंबा गति करूथिले गति करिबा को इच्छा करे। एहा हेउछि वस्तुर प्राकृतिक प्रवृत्ति जहाकु जड़त्व बोली कुहा जाए। वस्तुर एही गुण जोगु न्यूटन को प्रथम नियम को जड़त्वर नियम बोली मध्य कुहा जाए। बस ड्राइवर हठात करी ब्रेक मारिले बस जदि तत्क्षणात कमी जाए ओ बस टी रही जाए मात्र आम शरीर उपरे ब्रेक रो बल कार्य करे नाही। जड़त्व जोगु आम शरीर गतिशील अवस्था को बजाय रखिबा को चेष्टा करे, सेइथि पई आमे आगो को झुंकी पड़ू, एइथि पई सीट बेल्ट पिंधिबा को निर्देश दिया जाए। अच्छा पिला माने सबु वस्तुर जड़त्व कौन समान? चित्रटी को देखिला हाथी बॉल पत्थर बही एमानंक जड़त्व कौन समान हेथिबो? आमे बही को एवं पत्थर को घुंचाइबा को कौन समान बल लागिबो? नाही ना, पत्थर को घुंचाइबा पई अधिक बल लागिबो कारण पत्थर रो जड़त्व अधिक। एथिरु आमे जानिले जेउ वस्तुर वस्तुत्व जेते अधिक सही वस्तुर जड़त्व सेतिके अधिक। अच्छा न्यूटन का प्रथम गति नियम रु जानिले जे असंतुलित बाह्य बल वस्तुर परिवेगरे परिवर्तन ओ त्वरण सृष्टि करे। अच्छा पिला माने क्रिकेट ओ टेबल टेनिस तो खेलथिबो? अच्छा क्रिकेट बॉल एवं टेबल टेनिस बॉल जदि खेलाड़ी देहरे बाजे तेबे क्यों बॉल द्वारा आमे अधिक आकाद पाइबा कहिलो पिला माने? बिल्कुल ठीक, पिला माने क्रिकेट बॉल रे अधिक आघात पाइबा काहेकि ना क्रिकेट बॉल रो वस्तुत्व टेनिस बॉल रो वस्तुत्व रु अधिक। अच्छा पिला माने कहिलो जदि रास्ता कडरे ठिया होई रहिदिबा ट्रक आमको आघात करि पारिबो? नाही ना, किंतु गतिशील अवस्था रे एही ट्रक टी अल्प परिवेगरे जाउथिले मध्य जदि आम देहरे धक्का मारे तेबे आमे गुरुतर भावे आघात पाइबा, हो ना पिला माने?
ସେହିପରି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକରୁ ଅତି ଅଳ୍ପ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଳି ଫୁଟାଇଲେ ଯଦି ସେ ଗୁଳି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହରେ ବାଜେ ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଇପାରେ। ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଗତିଶୀଳ ବସ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆଘାତ କରେ ସେତେବେଳେ ତାହାର ପ୍ରତିଘାତ ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗ ଉଭୟ ରାଶି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ନ୍ୟୁଟନ ବଳକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଭୌତିକ ରାଶି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଲେ, ଯାହା ହେଉଛି ସମ୍ବେଗ। ବସ୍ତୁର ସମ୍ବେଗ ହେଉଛି ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ପରିବେଗର ସଂଯୋଜନ। ଏହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ମୋମେଣ୍ଟମ ବା ପି ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ, ଯେଉଁଠିକି ପି ହେଉଛି ସମ୍ବେଗ, ଏମ୍ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବା ମାସ୍, ଏବଂ ଭି ହେଉଛି ଭେଲୋସିଟି ବା ପରିବେଗ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ଟ୍ରଲିଟି ଖାଲି ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକଟି ତାକୁ ଅତି ସହଜ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ନେଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଟ୍ରଲିଟି କ'ଣ ଖାଲି ଅଛି? ନାହିଁ, ଟ୍ରଲିଟି ସାମାନ୍ୟରେ ଭରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବାରେ ଅଧିକ ବଳ ଲାଗୁଛି। ବସ୍ତୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଯେତେ ଅଧିକ, ସେହି ବସ୍ତୁର ପରିବେଗ ବଢାଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ଅଧିକ ବଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମର ଗାଣିତିକ ସୂତ୍ର, ବଳ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଓ ତ୍ୱରଣର କମ୍ବିନେସନ। ଆଚ୍ଛା, ବଳକୁ ଫୋର୍ସ ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ସୋ ଫୋର୍ସ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ମାସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସିଲେରେସନ, ଯେଉଁଠିକି ଫୋର୍ସ ହେଉଛି ବଳ, ମାସ୍ ହେଉଛି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏକ୍ସିଲେରେସନ ହେଉଛି ତ୍ୱରଣ। ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ ଶିଖିଲେ ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମ। ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଗତି ନିୟମରୁ ଜଡ଼ତ୍ୱ ଓ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମ, ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗତି ନିୟମରୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ସମ୍ବେଗ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ନ୍ୟୁଟନଙ୍କ ତୃତୀୟ ଗତି ନିୟମ ଏବଂ ସମ୍ବେଗର ସଂରକ୍ଷଣ।